हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्ले स्टोर के अकाउंट के ऊपर। आप भाई अपने प्ले स्टोर का जो एक अकाउंट है उसे करना चाहते हैं लॉग आउट और उसके बाद आप भाई नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप भाई उस अकाउंट को लॉग आउट करके नया अकाउंट कैसे ओपन करें। अगर आप भाई वही अकाउंट रखना चाहते हैं और उसके साथ नया अकाउंट भी ओपन करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा। तो सिंपली अगर आप भाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। और इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो आप भाई उन्हें लाइक जरूर करना है और चैनल पे आने वाले नए यूजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, बिना कह के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सिंपली सबसे पहले तो आप भाइयों ने अपने जो मोबाइल है उसका प्ले स्टोर ब्राउजर है वहां जाकर इसे ओपन करना है। तो ओपन करेंगे तो ऊपर आपका ये जो अकाउंट है ये देखने को मिल रहा है। जस्ट सिंपली सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, आप भाई इसे परमानेंटली लॉग आउट करना चाहते हैं तो वो एक अलग मेथड है। अगर आप भाई चाहते हैं कि मैं इसके साथ एक नया अकाउंट जो है वो भी लॉग इन करूं, मेरा ये अकाउंट भी रहे, तो उसके लिए आपके ईमेल के सामने ही आपको एक छोटा सा एरो का आइकन देखने को मिल रहा है। जस्ट आपने इस एरो वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है तो इधर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और नंबर फर्स्ट पे ही है ऐड एन अदर अकाउंट। तो आपने ऐड एन अदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है कि लोडिंग लेगा। बाद दफा इधर आपका जो है वो मोबाइल का पैटर्न है वो भी मांग लेता है, तो अगर आप भाइयों के मोबाइल के ऊपर पैटर्न लगा हुआ है तो वो आपने लगाना है। तो इस जगह पे आने के बाद आप भाइयों ने अपना जो नया अकाउंट है वो कर लेना है लॉग इन। आपका जो पहला अकाउंट है वो भी लॉग इन रहेगा और उसके साथ ही आप भाइयों का दूसरा अकाउंट है वो भी लॉग इन हो जाएगा। आप दोनों अकाउंट जो है वो चला सकते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं इस अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर दूं, मैंने करना ही नया अकाउंट लॉग इन है, तो इसको लॉग आउट करने का मेथड सिंपली क्या है, आपने अपनी मोबाइल की जो सेटिंग है इसे ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद इधर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, स्क्रोल डाउन कीजिएगा, सबसे लास्ट पे आपको जो है वो अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। कुछ मोबाइल में सेटिंग लग होती है तो अकाउंट वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद इधर आपको आपकी जो जीमेल जो पहले लॉग इन है वो देखने को मिल रही है। जो जो अकाउंट आपके मोबाइल में लॉग इन होंगे वो सब इधर आ जाएंगे। आप भाइयों ने जो अपना अकाउंट लॉग आउट करना है, सिंपली जो जीमेल है हमने ये लॉग आउट करना है, आप भाइयों ने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो बिल्कुल लास्ट पे आपको जो है वो डिलीट अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जस्ट आप भाई इस डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। इस तरह ये होगा कि आपका जो अकाउंट है ये परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, सिर्फ इस डिवाइस से डिलीट हुआ है, लॉग आउट हुआ है। तो सिंपली आपने जाना है फिर अपने प्ले स्टोर के ऊपर और इधर आपने देखना है कि आपका जो अकाउंट पहले लॉग इन था वो इधर जो है वो लॉग आउट हो चुका है और इधर साइन इन का ऑप्शन देखने को मिल चुका है। जस्ट आपने इस साइन इन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर आपकी चेक इन्फो होगी, उसके बाद पैटर्न हुआ है तो वो आप भाइयों ने अपना टाइप कर लेना है और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो लॉग इन करने के लिए कह दिया जाएगा। ये हमारा अकाउंट साइन इन के लिए आ चुका है, लॉग इन के लिए आ चुका है। तो आप भाइयों को पता चल गया होगा कि जो प्ले स्टोर के ऊपर आप भाइयों का जो अकाउंट है उसे लॉग आउट कैसे कर सकते हैं। अगर आप भाई वो अकाउंट भी रखना चाहते हैं, उसके साथ नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो भी कैसे रख सकते। तो आज की वीडियो में मैंने फुल डिटेल के साथ आप भाइयों को बताया है। फिर भी आप भाइयों का कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना है और इस वीडियो के ऊपर आप भाई 1000 लाइक कंप्लीट कर देंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप भाई ने अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।